कांग्रेस पार्टी का चरित्र हमेशा डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो का रहा है। इसीलिए पहले देश को धर्म के आधार पर बांटकर, फिर जाति के आधार पर बांटकर, फिर भाषा के आधार पर बांटकर, अब हिंदू समाज को भी किस प्रकार से बांटा जाए, ये कोशिश कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। और इसी श्रृंखला में आज तपस्वी बनाम पुजारी करने की भी कोशिश है। जिस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का आया है कि इस देश में पुजारियों की जरूरत नहीं है, ये देश पुजारियों का नहीं है। तपस्वियों का सम्मान करना तो अच्छी बात है, परंतु इस प्रकार से पुजारियों का अपमान करना, ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने बार बार श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया है, राम मंदिर का विरोध किया है, काले कपड़े पहनकर राम मंदिर भूमि पूजन का विरोध किया है, हुसैन दलवाई ने भगवे कपड़े को लेकर जो टिप्पणियां की, कृष्ण जी के गीता में जिहाद दिखता है, इस प्रकार का भी वक्तव्य कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया। तो हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट, और इसी श्रृंखला में जो आज बयान आया है कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का, ये बेहद आपत्तिजनक है और देश के करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाता है। लेकिन राहुल गांधी तो इसमें ये जोड़ रहे हैं ना कि मोदी जी चाहते हैं कि सब उनकी ही पूजा करें। देखिए, जिस पार्टी का चरित्र रहा हो कि वो केवल एक परिवार को पार्टी मानती हो, परिवार को देश मानता हो, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया जिसका चलन हो, और जो केवल परिवार तंत्र में विश्वास करते हुए परिवार भक्ति में लीन हो, वो दूसरों पर इस प्रकार के आरोप लगाए तो ऐसा लगता है कि जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली जो है हज को चली। Said that the Congress is a sangathan of tapasya and BJP is a puja ka sangathan and Modi ji wants sab log inki puja kare. You see, the Congress party has a very long history of divide and rule which it inherited from the British. It divided this country on communal lines. It divided this country and its people on caste lines, on linguistic lines, and now it is trying to divide Hindu samaj and society as well by creating a false narrative and division between tapasvis and pujaris. There is no problem in respecting tapasya and tapasvis. We all must and we all do. But why insult pujaris by saying ki this is not a country of pujaris? This shows the mindset of Rahul Gandhi, whose party recently was also insulting the saffron color. This is the same party which has said Hindutva is like ISIS and Boko Haram. This is the party which has doubted existence of Shri Ram, opposed the Ram Mandir Bhumi Pujan. And time and again, they do Hindu Aastha par chot, taki mile vote bank ka vote. And look at the irony of it. Those who are talking about worship of one person are those who have always indulged in worship of one family. In the Congress party, there has been a long-standing history of making the parivar equal to the party, the parivar equal to the country. We remember India is Indira and Indira is India slogans that came from the Congress party. Those who have been indulging in parivar bhakti are now giving such lessons to others. Congress ke adhyaksh Mallikarjun Kharge bhi isi mein itna sur milate hue keh rahe hain ki BJP ke log jo hai Modi ji ko bhagwan ki tarah se itna bhagwan kehte hain aur usi tarah se unko treat karte hain aur ye aur kuch nahi hai, bas dictatorship hai aur isko hatana hoga. मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कृपया करके अपने इतिहास को जरा देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि इस देश में यदि किसी ने तानाशाही लाने का काम किया था तो इमरजेंसी के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था, संविधान को कुचलने का काम किया था तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार ने किया था। तो जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी डिक्टेटरशिप की बात करते हैं और जब वो कहते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 70 वर्षों तक संविधान को बचाने का काम किया है, तो शायद वो इमरजेंसी का कालखंड और 1984 का नरसंहार भूल जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।